आरती कुमारी जी ने दलियारा में 6 छोटे छोटे पपीज को देखा। उन्हें इनकी माँ आस पास नहीं दिखी तो थोड़ी पूछताछ करने के बाद पता चला कि 3 दिन पहले एक गाड़ी वाले ने उसे मार दिया। शायद वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने निकली होगी, फिर कभी वापस ही नहीं आई। आरती जी को पता नहीं था कि वो क्या करें, इसलिए उन्होंने हमें कॉल किया। हम उन पपीज को लेने गए और जब तक हम उन्हें लेके लौट रहे थे तब तक 2 पपीज ने गाड़ी में ही दम तोड़ दिया। क्लिनिक आने के बाद पता चला कि इन बेचारों के पेट में 3-4 दिन से कुछ खाने को भी नहीं गया है और ये बिल्कुल माल न्यूट्रिशन थे। चारों पपीज के पूरे शरीर में पिस्तू लगे हुए थे और बहुत खुजली हो रही थी, तो इनकी नीम और नारियल से मालिश की ताकि पिस्सू मर जाए। हमने इनका नाम रखा इनी, मीनी, माइनी और मो। इनी के कंधे में मैगेट वुंड भी था तो हमने उसके घाव से सारे मैगेट्स निकाले और उसकी ट्रीटमेंट की। ये पपीज 1 हफ्ते से ऊपर के भी नहीं थे और इनकी आंखें भी नहीं खुली थी। हमने सबको पेट भर के दूध पिलाया और जब इनकी भूख मिटी और इनको एक गर्म जगह मिली सोने के लिए तो ये एक चैन की नींद सो पाए। अगले ही दिन हमने इनको मेडिकेटेड शैम्पू से नहलाया। सारे पपीज इतने नन्हे थे ये हमारी हथेली में पूरी तरह समा जाते थे। हम सिर्फ ये उम्मीद लगाए हुए थे कि वो बच जाएं। इनको बचाने के लिए इनको बहुत देखभाल की जरूरत थी, तो जो, राधा और रवीना ने इनकी देखभाल की जिम्मेदारी ली। इन पपीज को दिन में 6 बार फीडिंग की जरूरत थी, तो सुबह के शिफ्ट जो हैंडल करती थी, दिन की राधा दीदी और रात की मैं। बहुत छोटे होने के कारण वो खुद से दूध भी नहीं पी पाते थे तो हमें सिरिंज से दूध पिलाना पड़ता था और कुछ समय बाद बॉटल से। इनका इतना ख्याल रखने के बावजूद भी कुछ दिनों में इनी, माइनी और मो मर गए और अभी बची सिर्फ मीनी थी। तो ये हमारे लिए काफी स्ट्रेसफुल टाइम था क्योंकि इनकी देखभाल में हमने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी। सभी लोग काफी निराश हो गए थे लेकिन ये निराशा किसी के चेहरे पे नहीं आई। चाहे हमारे इतने प्रयासों के बाद भी इनी, माइनी और मो नहीं बच पाए, मगर हमने मीनी की देखभाल में बिल्कुल कमी नहीं आने दी। आमतौर पर ये सभी पपीज शायद उसी समय मर गए होते क्योंकि इतने छोटे पपीज के लिए उनकी माँ का साथ रहना बहुत जरूरी होता है। हमने उन्हें दूध तो पिलाया लेकिन उनकी माँ की कमी पूरी नहीं कर पाए। इनमें से सिर्फ मीनी ही बची क्योंकि वो शुरुआत से ही थोड़ी हेल्दी थी। ऐसे ना जाने कितने पपीज सड़क पे माओं का इंतजार कर रहे होते हैं और भूख से या गाड़ी के नीचे आके मर जाते हैं। अगर इस समस्या का कोई हल है तो वो है स्टेरिलाइजेशन। बेसहारा कुत्तों की सड़कों पर तादाद कंट्रोल करना जरूरी है और तभी जाके एक्सीडेंट्स के केस भी कम होंगे। अगर आपके इलाके में कोई बेसहारा कुत्ते हैं तो अपने करीबी रेस्क्यूज को संपर्क करें और उनका स्टेरिलाइजेशन करवाएं।